चौथा पांचवा मेरा और यदित का तो पांचवा वेंचर है साथ में, एमी भाई के साथ तीसरा वेंचर है, क्रिश भाई के साथ पहला वेंचर है। अभी क्रिश भाई थोड़े छोटे हैं लेकिन अब होटल इंडस्ट्री में आ चुके हैं, अब लीगल एज हो गए इनका, इसलिए अभी सोचा कि साथ में लेते हैं। इट्स 1 एकर में प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है साओ बाय द सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम ओशन को लग के है। मुंबई में ऐसा बहुत बहुत कम प्रॉपर्टीज है जहाँ पे सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा, सब कुछ एक साथ, मतलब आप फैमिली के साथ आओ, आपको बस आके चिल करना है, अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक्स और बहुत कुछ। इतना बड़ा लॉन है जहाँ पे आप 5000 लोगों की शादी कर सकते हो, मतलब वो जो लड़कियों की जो ड्रीम वरमाला सेटअप होता है ना, वो है यहाँ पे। बीच साइड डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है। 25 रूम्स हैं, प्राइवेट विला है, पूल है, सब कुछ एक साथ, ऐसा मुंबई में कहीं नहीं है। और आई होप जैसा टेस्ट और जैसा एम्बियंस, जैसा हॉस्पिटैलिटी हम अपने दूसरे वेंचर्स में सबको दे पाते हैं, वैसा यहाँ भी हम दे पाएंगे, आई होप क्या हम देंगे। और जो लोग बस आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगे, किधर से आने के लिए क्या क्या रास्ता? अगर आप मीरा रोड के इस तरफ रहते हो, दहिसर चकना के इस तरफ यानी मीरा रोड साइड, तो आप बाय रोड आ जाइए। और अगर आप दहिसर चकना के उस तरफ रहते हो जो दहिसर बोरेवली कांदिवली साइड, तो बोरेवली से आपको जेटी मिल जाती है, तो आप बाइक चढ़ जाती है। अगर आप गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो जेटी आपको एकदम यहीं उतार देती है, तो 20 मिनट्स का रास्ता है। अगर गाड़ी से आ रहे हो एकदम फैमिली ट्रिप के लिए, तो घूम के आना पड़ता है। बहुत जल्दी कोस्टल रोड भी बनने वाला है, तो जैसे कोस्टल रोड अगर बन गया तो पूरा मुंबई का कनेक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगा, और टूरिज्म डिक्लेयर तो हो ही चुका है मनोरी। yes. तो कोस्टल रोड बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ के फ्रूट्स के बारे में और क्या सुविधाएं उसके बारे में? यहाँ पे आप नेचुरल हवा है, एक तो आपको बार बार अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप जैसे हम यहाँ पे काम करने आते हैं, हमारी तो उम्र ऐसे ही बढ़ जाएगी, इतना अच्छा ऑक्सीजन हमको कहीं नहीं मिलेगा पूरे मुंबई में। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ यहीं खेते हैं सारे, सब कुछ यहीं से आता है, सब कुछ और फ्रेश ऑर्गेनिक आता है। सुविधा के बारे में सुविधा बताइए। और यहाँ पर सुविधा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ तो ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पर मतलब यार मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर आप बीच साइड क्लब बोलो, आप डेस्टिनेशन वेडिंग बोलो, आप फाइन डाइन बोलो, अंडर द ओपन स्काई, सामने समुंदर है, बैकपैकर्स का एक अलग से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो सोलो ट्रैवलर्स आएंगे, पूल साइड पार्टीज होगी यहाँ पर, हल्दी मेहंदी, मतलब अगर किसी को बैचलर्स पार्टी रखनी है यहाँ पर तो वो रख सकते हैं। लाविश रूम्स है यहाँ पर, मतलब आप बहुत प्रीमियम, हाँ प्रीमियम, आप 3-4 स्टार के साथ आराम से आप कंपेयर कर पाओगे, वो लेवल का हम गोराई में ला रहे हैं ताकि गोराई में थोड़ा सा टूरिज्म बढ़े, यहाँ के जो लोकल है उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को मिले, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिले, ये जगह को थोड़ा बूस्ट मिले। अब जैसे मालदीव्स इंडिया का जो विवाद चल रहा है, तो हमने सोचा यार हमारे पास एक मालदीव्स है हमारे घर के बाजू में, यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ क्यों नहीं, तो उस फिर हमने सोचा कि यार बीच पे कुछ करना है और हमने ये जगह। हर्ष, इट्स योर फर्स्ट वेंचर एज अ होटेलियर, व्हाट डू यू वांट टू से? बहुत खुश हूँ एंड भावन भाई के साथ, नितिन भाई के साथ फर्स्ट वेंचर है, बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप इट गोज वेल। एमी भाई की फूड में बहुत मास्टरी है, मतलब एमी भाई अगर फ्लोर पे एमी भाई सुबह रुस्तम है तो लोग उंगलियाँ चाट चाट के जाते हैं, मतलब क्या राज के। देखो एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, और जैसे कि बताओ समुंदर हमारा है, समुंदर में जितनी भी मछलियाँ है, जितने भी टूरिस्ट है सब हमारे, हम लोग जो भी लोग आएंगे उन लोगों को अच्छा फूड देंगे, एम्बियंस हमारा अच्छा है, मतलब ये हमारा पूरा रेस्टोरेंट है, मतलब फुल्ली पैकेज है, जैसे आदित और भाविन ने बोला वेडिंग सीजन के लिए, मतलब आप यहाँ पर आओगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी नया है हमारा बच्चा, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगा, एंड होप दिस ग्रुप वी किल इट टुगेदर। साओ बाय द सी योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन, योर नेक्स्ट फेवरेट रिसोर्ट। मुंबई में कहीं नहीं यार, गोवा क्यों जा रहे हो आप लोग? मुंबई आओ, मुंबई वाले मुंबई में रहो, कोई नहीं हर जगह जाओ लेकिन यहाँ भी आओ, बाली गोवा जाओ, सब कैंसिल करो, सिर्फ गोराई आओ। मेरी गारंटी है अगर यहाँ का सनसेट आपने देख लिया ना, तो आप यू विल डाई फॉर इट, आप मरोगे यहाँ पे आने के लिए। आप बार एक रोज अलग कलर दिखाते हैं, रोज अलग कलर, हम तो अभी रोज आते हैं यहाँ पे, हर बार सनसेट अलग कलर दिखाते हैं, कभी पर्पल है, कभी पिंक है, कभी ऑरेंज है। और मैं अभी वो मुझे बोलते हुए गूज़बम्स है, 22 जनवरी थी ना जब रामलला का आगमन था अयोध्या में, पूरा सनसेट पूरा ऑरेंज था इस दिन, तो एक कुदरत का करिश्मा है। और
बस आओ यहाँ पे हमारी ब्यूटी देखने के लिए, हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए यहाँ पे आ रहे हैं? हाउ डिड यू लाइक इट? हाउ डिड यू लाइक द प्लेस? आई थिंक फर्स्ट मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आई बीन बॉर्न ब्रॉट अप इन गोराई और फाइनली भाविन माई फ्रेंड हैज ओपनड सच एन अमेजिंग रेस्टोरेंट इन द प्लेस वेयर आई हैव बीन बॉर्न एंड रेस्ड। मुझसे ज़्यादा खुश आज कोई नहीं है। द मोमेंट ही कॉल मी, मैं सो रही थी, इज लाइक नेहल गोराई 20 मिनट आना है आपको यहाँ पे। आई एम लाइक ओके श्योर, आई नो द रीज़न टू नॉट कम, सो या। And it's such a happening place. Like I go to Goa for techno parties to enjoy. मैंने अभी एक Instagram पे story डाली है, Goa feels in Gorai. So I think I'm impressed. Thank you, Neil. Thank you. Please enjoy the ride, please. Absolutely, you too. I think मैं बिल्कुल correct timing पे आई हूँ क्योंकि अब लोग ही अभी सब लोग आ रहे हैं और ऐसे मेरे आने से रौनक बढ़ गई है। धीरे-धीरे तुम जगह देखोगी, अभी क्या समझ आ रहा है तुम्हें जगह में देख? यार पहले तो घुसते मुझे बहुत अच्छा लगा, because it just looks very grand and nice. एक तो लाइटिंग तुमने बहुत अच्छी की है। I think it's going to be the next go-to place in Gorai. A lot of people will come to Gorai specially for this. पहली बार तो congratulations. Thank you. And I wish you all the best. तुमने बहुत अच्छा किया and I'm sure it's going to do like wonders. I am definitely bringing a lot of my friends and you know that. अरे बहुत clients लाते हैं। इसके बहुत friend circles बड़े-बड़े हैं। मेरे हर venture पे इसके लोग आते हैं। Thank you Achal. Thank you. मेरी pocket money बढ़ाने के लिए। अरे मैं तो बस थक गया हूँ इसके हर opening में आके। अभी पता नहीं और कितने बूढ़ा होएगा तब तक हर महीने। तो बट यार मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे दोस्त की जगह, मेरे दोस्तों की जगह है तो मतलब मेरी जगह हुई, मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं तो उस चीज के लिए खुश रहता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। मैं बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम और रूम्स भी है। बट नहीं, मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्तों के लिए और मैं बस ये चाहता हूँ कि और खुलते रहे आगे आगे और मैं आता रहूँ हर जगह। मिला काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि गोवा के किसी इधर आ गई हूँ, बहुत ही अच्छा वाइब है, काफी अच्छा प्यारा लग रहा है और उतना ही दूर। वेकेशन डेस्टिनेशन है ना? हाँ, वेकेशन परफेक्ट, काफी प्यारा है। हाँ जी, स्पेशल डिश भाई हमारे मिर्ची पराठे। वो तो मालूम पड़ेगा खाने के बाद। मैं पहली बार जब शेफ ने बोला ना मिर्ची पराठे, बोला ये मिर्ची पराठा हमें क्या खिलाएगा? ये आलू पराठा खाए, मूली पराठा खाए, सब कुछ, सब हर टाइप का पराठा है। मेनू में नहीं है, बट मिर्ची पराठा के मांगो आपको दे दिया जाएगा। कहाँ का क्या खा रहे हो? आने वाले समय में किस तरह के अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं? हमने लास्ट की बातें कर अपकमिंग प्रोडक्ट्स एक महीने पहले हर चीज पता चल जाएगी जब आएगा उसे एक महीने पहले। लास्ट हमने ओटीटी पे आपको देखा जी, अब किस तरह आगे क्या प्लान है, किस तरह बस प्लानिंग चल रही है विद माय टीम, तो जरूर पता चल जाएगा। थैंक यू। ये लड़की कुछ नहीं बताएगी कुछ? 6 महीने में श्योर। एंड मुनव्वर बिग बॉस जी, तो उसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर। आपके फेवरेट कौन थे उस घर पे? मैंने देखा नहीं सर, इतना फॉलो नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस साल मैंने कुछ थोड़ा कम दिखा है बट जितना भी देखा है, माय फ्रेंड इज मुनव्वर, सो आई विल सपोर्ट हिम ऑफ कोर्स। सो यस, कांग्रेट्स। अभी आप कितना स्कोर खेला था मुनव्वर जीत के बारे में? हाँ सही है, मैं भी ऐसा, मैं बिग बॉस तो कभी देखता नहीं हूँ, बट अभिषेक मेरा दोस्त है इसलिए उसको सपोर्ट करा था। इस बार नहीं जीता, बुरा लगा, बट ठीक है, मैंने देखा नहीं है, बट मुनव्वर भी जीता है तो अपने हक से जीता हुआ। आशिका, हम ओटीटी में आपको देखा था, नेक्स्ट ईयर क्या मेन बिग बॉस में देख पाएगी आपको? गॉड नोज, मेबी। थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे? बोलना ही चाहेंगे, एक तरीके से लग रहा सात समंदर पार करके आए हैं। इतना बट वर्थ इट है पूरा, इतना ब्यूटीफुल प्लेस बना वो भी किसी अपने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड विश करते कि बहुत जल्दी जल्दी से आगे बढ़े और सारे खोले, बहुत सारे ब्रांचेस खोले। अभी तुमको बोलता हूँ, नेक्स्ट स्टॉप पुणे, उसका अगला स्टॉप गोवा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलेंगे सप्लाई? मैं तो कम ही बोलू तो अच्छा। 6 बजे ट्रैफिक आज बहुत मिल गया। 6 बजे निकली हूँ, 6 बजे 7 बजे। आपको पता है कॉमन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? जितने भी क्रिएटर्स मिल रहे हैं एक दूसरे से, सबका यही है कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। बट इज द प्लेस वर्थ इट? यस, बट आई प्लेस में वाइब है भाई। 14 फरवरी कौन कौन आ रहा है यहाँ? 14 फरवरी मुझे बोला नहीं है भाई, डबल हो गया ना। एक इनसाइडर देता हूँ, 14 फरवरी तक 5 रूम्स भी बन जाएंगे।
25 रूम्स बना रहे, उनमें से 5 रूम्स 14 फरवरी तक रेडी है। पर्सनल सेलिब्रेशन होगा ये क्या बात, सिंगल ज्यादा बेटर है। अच्छा कैमरे के सामने सिंगल है ना खाली, कैमरे के पीछे भी सिंगल ही है। वो लोग हैं जो बजरंग दल के साथ घूमते लाते हैं, इनको मिंगल होना है इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो हूँ भाई बजरंग दल कैमरे के सामने। थैंक यू। लेकिन बडिंग क्रिएटर्स हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैना, दिशा, तनिष्का, प्रशांत, थैंक यू सो मच आप लोग आए यहाँ पे। कैसी लगी जगह आपको, कैसी लगी? इट्स अमेजिंग, इट्स गिविंग मेजर गोवा वाइब, लाइक थलासा, लाइक थलासा इज नथिंग, नाउ दिस इज द मेन थिंग। ब्रिंग योर फ्रेंड्स टू अ पार्टी, ऑफ कोर्स, हॉट स्पॉट फॉर मुंबई। थैंक यू, थैंक यू। Hello everyone, what's up? Everyone wants a Sav is the best place. 25 years in the music industry. It's a DJ Abhishek for you. It's a blessed place to for a great vibe, good music, good place. You have a Goa in Gorai now. No place you have to go in a Goa. This is the best place you can go. That's all I can say. Please everyone join. I like to create all my fans, all my followings over in the Gorai over here. So once a best of luck to the sir. Very nice place. That's Vishal bhai. Congratulations to the Sav. This is Mr. Vishal sir. So we are getting a great place. Thank you everyone. जो आपने हमारा चौथा पार्टनर दिया क्रिश, एक्चुअल पार्टनर यही है, वैसा यही से आ रहा है। कंग्रेचुलेशन होते बट टेक्निकली यही है।